पहले पठान ब्लॉग्स ओके बाय। यहाँ पे लिखा है डोंट टच फाइन 500। अगर इसको टच करके फोटो वगैरह क्लिक कराते हैं तो 500 रुपीज का फाइन भी है। हम लोग आगरा से आए तो गाइस मेरे दो सब्सक्राइबर वहाँ पहुंच चुके हैं। देखें आप, देखिए गाइस हेलो गाइस वेलकम बैक टू पठान ब्लॉग। पठान ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम आए ऊटी में टूर करने के लिए। तो ऊटी में एक बॉटनिकल गार्डन है, तो वो भी हम आज एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो में। और उसका एक टिकट का 100 रुपीज़ आपको चार्ज पड़ता है, तो हमने अभी ये टिकट ले लिया। तो चलते हैं अभी अंदर, और अंदर क्या होने वाला है देखो, पीछे हमें इस तरीके से दिख रहा है। तो अभी चलते हैं, अभी अंदर एंट्रेंस करते हैं और आपको पूरा एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो में दिखाएंगे। तो चले बनिए रहिए गाइस। आप क्राउड देखें लोगों का कितना ज़्यादा क्राउड है। और यहाँ से कुछ मेन एंट्रेंस है, तो हम लोग टिकट चेक करा के अभी अंदर चलते हैं। गाइस इस साइड से कुछ एंट्रेंस है और टिकट वगैरह हम चेक करा देते हैं, फिर चलते हैं अंदर की साइड में। तो मैं अंकल को अभी टिकट चेक करवा दूंगा। टिकट हो चुका है मेरा चेक, और चलते हैं अभी अंदर और पूरा गार्डन को एक्सप्लोर करेंगे। ये बॉटनिकल गार्डन ऊटी में बहुत ही ज़्यादा फेमस गार्डन है, तो देखते हैं इसमें भी क्या अपनी खास बात होने वाली है इस गार्डन के अंदर। क्योंकि अभी इससे पहले हम रोज़ गार्डन में भी होके आ चुके हैं, तो उसमें भी एक अलग वैरायटी की फ्लावर वगैरह थे। और यहाँ देखते हैं क्या। तो गाइस ये फर्स्ट जब आप घुसेंगे तो ये आपको ये तोप देखने के लिए मिल जाएगी, पुराने ज़माने की देख सकते हैं। और कुछ ये घर वगैरह बने हुए हैं जो कि देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अभी अंदर। तो गाइस आप लोग गार्डन वगैरह चेक कर सकते हैं, यहाँ पर फुल ग्रीनरी है, फुल ग्रीनरी। अगर आप एक नेचर लवर हैं तो आपके लिए ये स्पॉट बहुत ही अच्छा होने वाला है। ये देखें बैठने के लिए काफ़ी शानदार जगह है, और काफ़ी लोग अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। ये देखें काफ़ी लोग आए हुए हैं। तो गाइस इस पूरे गार्डन को एक्सप्लोर करेंगे हम, और गार्डन बहुत ही खूबसूरत है और नेचर लवर लोगों के लिए काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है बॉटनिकल गार्डन ऊटी का। और अभी जैसे कि गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो गर्मी के सीज़न में एक बेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये ऊटी में, आप आ सकते हैं यहाँ घूमने के लिए। देखें काफ़ी सारे लोग अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में आए हुए हैं। तो गाइस हम भी चलते हैं इस साइड में, और इस साइड में चल के देखते हैं क्या क्या होने वाला है। और अभी शाम का वक्त हो चुका है, 5 बज चुके हैं, तो ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं यहाँ पे। और अगर आप यहाँ आते हैं तो थोड़ा गर्म कपड़े कैरी कर लें अपने साथ में, तो वो ठीक रहेगा। गाइस यहाँ पे भी एक ग्लास हाउस है, ये देख सकते हैं। तो इसके अंदर भी सारे फूल एंड प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं। तो चलिए चलते हैं अभी अंदर, और अंदर चल के हम आपको एक्सप्लोर करेंगे। ये देखें ये ब्लेसम फ्लावर है, ये आप देख सकते हैं। अलग अलग वैरायटी के आपको फ्लावर देखने के लिए मिल जाएंगे फ्लावर। और इस साइड में भी देखें, और गाइस ये देखें, ये भाई कुछ देखने में अपने आप में बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। जैसे ये लग रहा है जैसे बर्फ गिर गई हो इसके ऊपर। और गाइस इस साइड में आप देख सकते हैं ये सारे कैक्टस और
एलोवेरा के छोटे छोटे प्लांट हैं। ये देखें आप, ये सारे गमले में जो रखे हुए हैं सारे के सारे एलोवेरा हैं। और ये देखें, ये रोज टाइप में भी कुछ एलोवेरा टाइप है। ये देखें क्या नाम है, मैक्सिकन स्नोबॉल। तो ये मैक्सिकन स्नोबॉल है, ये देखें। और वो आगे अलग अलग वैरायटी की सब प्लांट्स वगैरह रखे हुए हैं, ये देखें। तो गाइस, इस टिकट में आप देख सकते हैं बॉटनिकल गार्डन में जितने भी पॉइंट है सारे सारे इसमें नाम दिए हैं। तो ग्लास हाउस, फ्रेम, फ्रेंड हाउस, बिगेस्ट लॉन, इस तरीके से अलग अलग तरीके से नाम है। तो अभी हम ग्लास हाउस घूम चुके हैं और आपको पूरा एक्सप्लोर करेंगे। तो गाइस चलते हैं अभी इस साइड में, ये देखो साइड में देखें से गोली मारे वो शूट हुआ था। गाइस कुछ गानों की भी शूटिंग यहाँ हो चुकी है, देख सकते हैं। घास की कटिंग करके इन्होंने कुछ डिजाइन वगैरह दिया है, ये घास कटिंग करके आप देखें, क्योंकि देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये हमारे क्या भाई, तुमको कैसे लग रहे हैं वो भी बताएं कमेंट करके। और ये आप ये बताएं कि ये मुंबई जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, प्लीज गाइस कमेंट करो, मैं जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ प्लीज आपके। चलो सारू भाई, अभी आगे की साइड में सारू, काफी अच्छा गार्डन है यहाँ पे। यहाँ गार्डन तो काफी अच्छा है। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है वो साथ साथ आप लोग वीडियो देखते देखते इसमें कमेंट भी करें। एक कमेंट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, तो एक कमेंट और एक लाइक आपको मिल रही है। और मैं और एक बात कर सकता है, एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि सारू भाई इतनी मेहनत करते हैं, ब्लॉग बनाते हैं आपके लिए, इतने इतने दूर जाते हैं, उस तरीके का सपोर्ट नहीं मिलता आप लोगों को। मतलब आप लोग जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे आप, मतलब आप वीडियो भी नहीं देखते हैं, वीडियो अपलोड होती है तो वीडियो देखना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। हमारा वॉच टाइम पूरा होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे दोस्तों, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो। ये भाई अपना फोटो और वीडियो बनाते हुआ, और इस साइड में देख सकते हैं ये इंडिया का नक्शा बनाया हुआ है, ग्रीनरी फुल, और हर जगह का नाम भी लिखा हुआ है। देखें मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, ये केरला, नीचे तमिलनाडु, पौंडीचेरी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश किधर है, तो गाइस उत्तर प्रदेश वो है, तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये रहा अपना उत्तर प्रदेश, तो ये इंडिया का नक्शा बना हुआ है। ये लोग कैसे ऊपर चढ़े फिर रहे हैं जबकि नो एंट्री यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें। बैठने के लिए काफी ज्यादा मैदानी एरिया है, तो आप कहीं पे भी बैठ सकते हैं, बैठ के आप एक अच्छा एंजॉय कर सकते हैं, व्यू ले सकते हैं, ये देखें। और बैठने के लिए जगह जगह चेयर भी है। ये गाइस इटालियन गार्डन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कुछ लोग ऊपर जा रहे हैं, मैं भी देखता हूँ जाके ऊपर। गाइस अभी चलते हैं ऊपर की साइड में, ये इटालियन गार्डन वगैरह लिखा हुआ है ऊपर। यस बच्चा पार्टी है मजा करते हुए, हाय कर दो, हाय कर दो, हाय से हाय, हाय यस। तो गाइस ये है यहाँ का इटालियन गार्डन, देख सकते हैं ये कुछ कमल खिलते हैं इसमें। तो देखें वो साइकिल का साइन भी बना हुआ है और इंग्लिश में इटालियन गार्डन भी लिखा हुआ है। और ये औरत दिखा दो, और ये पानी वाली एक औरत। चलते हैं गाइस आगे की साइड में, कुछ लड़कियां देख के हंस रही है मुझे। और अभी चलते हैं आगे की साइड में, आगे हट जाके देखेंगे क्या नज़ारे होने वाले हैं। तो गाइस यहाँ भी कुछ अलग ही नज़ारे दिख रहे हैं, और कपल्स के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है ये, कपल्स काफ़ी आ रखे हैं यहाँ पे। और बैठने के लिए जगह जगह चेयर का भी इंतजाम है, इस साइड में देखें, इस साइड में भी कुछ गार्डन टाइप है। तो अभी चलते हैं आगे तरफ, और पूरा गार्डन बहुत ही गजब नज़ारा है, ये देखें आप लोग। इस गार्डन में काफ़ी सारी ग्रीनरी है, नेचर लवर के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है ये।
और जगह जगह बैठने के लिए ये सीटें वगैरह हैं, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। आई होप गाइस ये थोड़ा ब्लॉग लंबा हो सकता है, मगर आप इस ब्लॉग को पूरा देखें क्योंकि आपको दिली सुकून मिलने वाला है। दिली सुकून तो ये पार्ट पार्ट आया, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। पार्ट तो हम सारी मुनार सीरीज का एक एक पार्ट करके डालेंगे, जितने भी हम पॉइंट घूम रहे हैं उसका सबको हम सीरीज में डालेंगे, एक एक दो दो नंबर। तो और गाइस ये तोप है पुराने जमाने की, और एक तोप आगे भी है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अंदर जा लो, अंदर चल लो इसकी। और गाइस यहाँ पे अंदर बैठने के लिए भी है, अगर आप बैठना चाहते हैं जैसे घूम घूम के थक जाते हैं तो यहाँ पे आके आप बैठ भी सकते हैं। इस तरीके से चेयर सिस्टम हर तरफ है यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पे लिखा है डोंट टच फाइन 500, अगर इसको टच करके फोटो वगैरह क्लिक कराते हैं तो 500 रुपीज का फाइन भी है यहाँ पे। भाई किधर का है? हम लोग आगरा से आया, यूपी। आगरा से यूपी। यूट्यूब चैनल है? यस ब्लॉग यूट्यूब। तो गाइस हम चलते हैं अभी आगे की साइड में, और ये देखें इस साइड में एक हाथी है आर्टिफिशियल, ये देखें हाथी भी है इधर ऊपर दिखा दिए, हमारे फ्रेंड्स लोग खड़े हुए हैं। और गाइस ऊपर की साइड में आप देख सकते हैं कुछ लोग ऊपर साइड में भी जाके अपने फोटो वीडियो वगैरह बना रहे हैं, और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये एक। और अभी ठंडा ठंडा मौसम भी हो गया है तो और मज़ा आ रहा है घूमने के लिए। तो गाइस मेरे दो सब्सक्राइबर वहाँ पहुँच चुके हैं, देखें आप, देखो ये आ रहे हैं भागते हुए, ये आ गए गाइस। राहों से तेरी बाहों से यूं ना जाऊं गाइस, ये दो सब्सक्राइबर भागते हुए आ रहे हैं। ये देखिए गाइस काफी एक्साइटेड है, पठान काफी एक्साइटेड है। ये देखिए गाइस बिग पैन। बैठने का काफी ज्यादा अच्छा मुझे यहाँ सेटिंग अरेंजमेंट दिखाए, जगह जगह सीटें पड़ी हैं, और ये देखे पेड़ों के तने काट के लगा दिए हैं बैठने के लिए, तो बैठने के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है इस साइड में। तो गाइस ये जो बॉटनिकल गार्डन है बहुत ही बड़ा गार्डन है, ये घूमते घूमते आपके पैरों में दर्द हो जाएगा, इतना बड़ा गार्डन है। देख सकते हैं जगह जगह हर तरीके के प्लांट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे यहाँ पर, और बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होने वाला है यहाँ आकर आपका। और ये देखो ये हमारे कुछ साथी जो थक गए चल चल के, इनके टांग। वालेकुम सलाम। कहाँ से आ रहे हो सारे भाई? यार मिल नहीं रहे आजकल, हम यार रूटीन में रहने के लिए तो चुप हो रहे हैं हम यार, ये गलत है सारे भाई यार। ये दिखा दो सारे भाई, जी अंडर सेंचुरी। थैंक यू, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सर पेमेंट हमारी पेमेंट तुम्हारी जब हमें आएगी तब तुम्हें मिल जाएगी। तो गाइस ये नज़ारा चेक करें आप, इस साइड का नज़ारा चेक करें, ये देखें गाइस क्या गजब नज़ारे हैं, देखें पूरा ये मैदान एरिया है, ये क्या 100th century का लिखा हुआ है ऊपर साइड में, देखें आप। और ये देखें गार्डन एरिया, काफ़ी सारे लोग अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में यहाँ आए हुए हैं पिकनिक मनाने के लिए, क्योंकि अभी ईद की छुट्टी भी चल रही है और सीजन भी है यहाँ पे घूमने का, ठंडा मौसम है, काफ़ी सारे लोग दिल्ली और जगह जगह से आए हुए हैं। पेरे पठान व्लॉग्स, ओके बाय। तो गाइस अभी एक मुझे फैमिली मिल गई थी, तो उन लोगों ने मेरे चैनल का नाम वगैरह पूछा, तो मैंने उन्हें अपना चैनल का नाम वगैरह बता दिया है, और सारे लोग व्लॉग में आना चाह रहे थे तो मैंने उनको व्लॉग में देख लिया ले लिया है, आपने देख ही लिया होगा। तो कुछ थे इस तरीके के यहाँ पे लोग हैं, मिल जाते हैं, अच्छे लोग भी मिलते हैं और कुछ ख़राब लोग भी मिलते हैं, तो हर तरीके का एक्सपीरियंस होता है जब आप ट्रैवल करते हैं, तो
ट्रैवल करते हैं तभी आप लेसन सीखते हैं जिंदगी का। ये गार्डन टाइप देखें, ये किस तरीके के अलग अलग पेड़ लगे हुए हैं और लोग यहाँ बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और एक अलग ही मज़ा आ रहा है। अब आई थिंक ये गार्डन एरिया घूमने के बाद अगर आप चाहें तो रेस्ट कर सकते हैं ये सब घूमने के बाद, क्योंकि हम वहाँ से स्टार्ट करा था, वहाँ से घूमते 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 इस तरीके से यहाँ पे आ गए। तो ये एक लास्ट पॉइंट है इस बॉटनिकल गार्डन का, तो आप इस लास्ट पॉइंट पे आके जब घूम घूम के आप थक जाते हैं तो थकने के बाद आप इस घास में बैठें, एक अलग ही फील आएगी आपको और बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि मौसम भी बहुत ठंडा है। अगर इस गर्मी में आप रात चाहते हैं तो आप सीधे ट्रेन पकड़ें तमिलनाडु की, या तमिलनाडु के कोयम्बतूर से आप सीधे ऊटी आएँ और इस ठंडी मौसम का मजा लें, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको, मज़ा आ जाएगा। शुरू ऊटी में एक अलग ही आनंद आ रहा है, एक अलग ही मज़ा आ रहा है। यस बारिश आ गई गाइस, देखें बारिश शुरू हो गई, तो लोगों की भगदड़ मच चुकी है यहाँ पे चारों तरफ, चारों तरफ देखें, इस साइड में देखें गाइस बारिश आ गई तो भगदड़ मच चुकी है, ये देखें।